बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थारू के लिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ट्रेलर आए हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि जब मैंने तीनों ट्रेलर देखा, मुझे बहुत ही थारू लगा। एंड ये सवाल कि हालांकि डायरेक्टर से है, लेकिन हमारे राइटर साहब आप हमारे यहाँ पे पास है, तो कोई खास वजह कि तीन तीन ट्रेलर लाया है और वो भी तीनों थारू है? नहीं, आपने सही फरमाया। ये बेसिकली इट्स अश्विनीज एंड सोनीज कॉल, बट मुझे अच्छा इसलिए लगा कि तीन के बाद अब एक फेयर आइडिया आ रहा है कि शो का टेक्सचर क्या होगा, उसका असबाब क्या होगा, उसका एम्बियंस क्या होगा, किरदार किस तरह के है, और जुबान क्या क्या बोल रहे, व्हाट इज द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड। तो आई थिंक जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उसका दम है, जो भी उसकी फाड़ूनेस है, वो ये तीनों में मिलके फिर बाहर आ गई। थैंक मैं आपको बता दूं कि तीनों ट्रेलर बहुत ही फाड़ू है। यू, लाल जी कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत का शुक्रिया जो सर, आज का ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत 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 ही शुक्रिया फाड़ू सर, है। बहुत ये हम बोलते रहेंगे फाड़ू फाड़ू, चार बार बोल देते ताकि वो हर एक चीज में यूज आए। बहुत फाड़ू है, बहुत बहुत फाड़ू है। फाड़ू है। आपका सवाल पूछने का तरीका भी बहुत फाड़ू है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। एंड जो आप चाय पी रहे हो वो कैसी है सर? वो भी बहुत फाड़ू है सर। देखिए, ओके मैं पहाड़ी हूँ तो चाय तो हमें भूरे रंग का पानी भी कहेंगे कि चाय, तो हम वो भी बहुत शौक से पीते हैं, तो चाय तो हमेशा फाड़ू ही होती है पहाड़ियों के लिए। फाड़ू, ये जो आ रही है सीरीज फिल्म, इसमें कितनी बार आप चाय पीते हुए आप हमें नजर आएंगे? सब चाय तो नहीं, इसमें एक दूसरे तरह का पानी जो है, सेम कलर बट या थर्टी लिटिल सिक्सटी डार्कर, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ब्लैक ब्लैक टी टाइप का कुछ है। डार्क। वो एक्चुअली कैरेक्टर ऐसा है, यूजुअल मैं हम हर जगह कह रहा हूँ कि अभय जैसे अपने सपनों के पीछे भागता है, वैसे ही ये लड़का एक टूटे सपने से दूर भाग रहा है। और उस टूटे सपने से दूर भागने का, वो बोलते हैं गम गलत करने का एक तरीका जो है, वो शराब में वो ढूंढ रहा है। एक अल्कोहलिक कैरेक्टर है बहुत ही। मैं खुद शराब नहीं पीता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत टफ था क्रैक करना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि शायद बहुत सारे मुझसे बेहतर कलाकार इसको कर सकते थे, बट जो सौम्या सर की लिखाई है और जो अश्विनी मैम की दिखाई है, मैं कह रहा हूँ लिखाई और दिखाई के चक्कर में मैं बस चमक गया हूँ उसमें, हो पर फाड़ू हो गया मामला। वरना मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर करने वाले लोग होते, क्योंकि बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ। और जब मैं खूबसूरत कहता हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ वो दिखने में कैसा है, उसके नुआंसेस, वो जिस तरीके जहाँ से आता है और उसकी जो जर्नी है वो बड़ी खूबसूरत है, रॉक्सी की, अभय की, मंजरी की। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझसे बहुत अलहदा एक तो कैरेक्टर है, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, ना दिखने में ना सोचने में। हाँ, ये अभी जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, और मुझे मजा तब आया था, मैं आई थिंक ऑन द 10th डे ऑफ द शूट, 10वें दिन में पहली बार बस्ती में गया, और ये और पवेल दोनों पूल पे बैठे थे, मतलब नाले पे एक पूल, और मैंने इनको पहचाना नहीं कि हाँ, आई थॉट दैट कोई बस्ती के लोग ही बैठे, एंड दैट क्रेडिट गोज टू बोथ द एक्टर्स एंड ऑल्सो द बस्ती पीपल, उन्होंने इतनी अच्छी तरह शूट बहुत 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 होने दिया। हाँ, सो पर वो दिन बिल्कुल सर डरने वाला भी था। बेसिकली क्या होता है ना कि जब तक आप एग्जाम दे रहे होते हो और अननोन बंदे के सामने आप फेंक रहे होते हो, अपना ज्ञान तो सही होता है, लेकिन जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है और जिसने पढ़ाया है वो जब सामने आता है, तो उस दिन बड़ा इंटरेस्टिंग, वो जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मुझे क्लियरली याद है सौम्या सर और अश्विनी मैम दूर बैठे हुए थे, और वहां से वो एक आपको याद है ट्रॉली शॉट था, और मैं ये बात कर रहा था सर बैठे हुए जज तो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपको हमेशा इतनी खूबसूरत राइटिंग के साथ हर एक्टर को वो डर होता है कि आप उसको खराब ना कर दें, आप उसकी खूबसूरती को बना के रखें, जैसा लिखा गया है अगर उतना भी बोल दिया तो हो जाएगा। और बार बार पावेल और मेरा वही डिस्कशन चल रहा था, यार सही तो कर रहे हैं ना, और पावेल के सवाल बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊं, उस दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पावेल को डर लगता है चमगादड़ों से, और वो बहुत डरता है, मतलब वो ऐसा है कि अगर इस कमरे में चमगादड़ होगा तो पावेल पावेल या चमगादड़ एक ही चीज रह सकती है। तो उस दिन उस नाले में बहुत चमगादड़ उसको दिख रहे थे, तो काफी डर भी था उसको कि यार हम लोग ये चमगादड़ देख यहाँ तो नहीं आ जाएगा, उसको बार बार कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। पर वो सीन मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि उसको लिखने वाले भी सामने बैठे हुए थे, उसको किस तरह से दिखाया जा रहा है, वो तो अश्विनी मैम थी सामने, तो वो सीन और मेरे लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई वो सीन खत्म करने के बाद, मुझे लगा कि नहीं कुछ तो सही क्रैक कर दिया है। एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स, वाह सर, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। तभी पता चल जाता है, एक शूट में एक वाइब होता है कि सब सब अंदर है, घुल मिल गया, एक वातावरण क्लीन बन रहा है शो का। और उस दिन मेरा एक सवाल था सौम्या सर से, मैंने कहा सर आपको दिख रहा है ना,
रॉक्सी दिख रहा है ना, ऐसे यार दिख रहा है यार, बिल्कुल दिख रहा है यार सर. बस वो जरूरी है एक बार तो. इनफैक्ट कैरेक्टर्स का ये भी देखिए आप कि किस तरह से दिखते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होता है. एक बार पहला दिन था इनफैक्ट शूट का, और हम लोग बुरा स्लम एरिया है वहाँ पर शूट कर रहे थे, और वैनिटी बाहर थी क्योंकि वैनिटी जाने का रास्ता नहीं था, और वो 5 मिनट का कोई वॉक होता था हमारा सेट तक जाने का. तो क्योंकि हम लोग 10-12 दिन से रोज़ जा रहे थे, तो वहाँ पर लोगों को लगना शुरू हुआ कि हम वहीं रहते हैं. और जो मेरा लुक था वो वहाँ पर जो महिलाएँ थी वो कहती थी, अरे बेवड़ा आ रहा है, बेवड़ा आ रहा है, बेवड़ा आ रहा है. एक दिन मैं वैनिटी से निकला हूँ, मैं पावेल की वैनिटी में जा रहा हूँ, हमारे प्रोडक्शन वालों ने मुझे रोक दिया, बोला ये कहाँ जा रहा है, मुझे बताना पड़ा, अरे भाई मैं हूँ. तो वो मुझे लगता है कि किसी भी राइटर और डायरेक्टर के लिए की जीत है अगर उस किरदार को उस एक्टर से अलग आप नहीं बना. ये तो एक्टर की जीत है. नहीं मुझे लगता है सर वो आपने आप लोगों ने इतना अच्छा बनाया है उसको कि आई हैड टू कम क्लोजर टू दैट कैरेक्टर. और वो चैलेंज भी है क्योंकि ये शो ये अलग अलग जमीनें हैं, देर आर डिफरेंट मतलब अलग अलग लोकल्स है. तो बस्ती में तो ये बस्ती का लगता था, लेकिन फिर वो उसका एक पूरा ट्रैक कोकण में है, तो वहाँ की जमीन का होकर रहना है उसको. तो वो भी वो बहुत अच्छा उधर दिखा. जैसे 9th में मैंने बहुत मैं सरप्राइज हुआ प्लेजेंटली उसको अलग स्वरूप में देख के. ये मेरा अगला सवाल था अभिलाष जी कि जी. जो इंसान आपसे रोज मिलता है लेकिन सेट पे आपको पहचान नहीं पाता, हाँ. इतने गेटअप में, इतने लुक में, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में सबसे बड़ी जीत होती है. क्योंकि सीरत को तो हम बदल के रखते ही है ना, सीरत तो हमारी बदली रहती है ना, आपके साथ में कुछ और हूँ, स्वामी सर के साथ कुछ और हूँ, किसी और के, बट सूरत बदलना बड़ा मुश्किल होता है. सूरत पकड़ लेता है आदमी की, सीरत नहीं पकड़ पाते हम लोग. तो वो सूरत अगर आप बदल देते हैं, बट ऐसा इसलिए हुआ कि वो किरदार में बहुत कंफर्टेबल हो गए थे दोनों. एक तो होता है कि बाहर का जो मेकअप वगैरह से जो हम लुक राइट लेकिन वो बैठे ही ऐसे थे के लग रहे थे, तो वो बहुत कंफर्टेबल थे. एंड सर क्योंकि आपका राइटर ऐसा वाला आपसे भी कि लव स्टोरी है जी, एंड कुछ ऐसे लव स्टोरी का भी टाइटल यूज किया जा सकता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राइट पर्सन इसका जवाब देने के लिए. हाड़ू ही टाइटल क्यों? वो इसलिए कि ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, मतलब लव स्टोरी तो है लेकिन इट्स अ बम्पी लव स्टोरी, और बहुत थ्रिलिंग है. क्राइम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्राइम होता है कि एक पूरा समाज का तबका उसको मौके नहीं मिलते, और उस सोसाइटी से एक आदमी निकलता है और वो मौके छीनने लगता है, और वो जो मौके छीनने का जो प्रोसेस है उसके बीच में उसे एक बहुत खूबसूरत इनोसेंट एक लड़की मिलती है, उनका प्यार भी पनपता है, और ये मौके छीनने वाला एक एम्बिशियस एंग्री इंसान, तो दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट है. तो एक प्यार के साथ साथ एक एक बम्पी राइड भी है. दूसरा कि जब आपने बताया कि इफ़ इट्स अ लव स्टोरी तो उसका नाम फाड़ू क्यों है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक लव स्टोरी एक्चुअली फाड़ू ही होनी चाहिए. क्योंकि ये जो सॉफ्ट लव स्टोरीज होती है जिसमें कभी कभी मुझे ये लगता है कि यार ये लव स्टोरी में ब्रेकअप को इतना आसानी से लिया गया, तो अगर किरदार ही अपने प्यार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो ऑडियंस क्यों उनके प्यार में इन्वेस्ट करेगा. तो ये दो चीजें कि एक तो जो ट्रेडिशनल सेंस में लव है उसके उससे ज्यादा फाड़ू चीजें शो में है, और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि हर एक लव स्टोरी एक्चुअली फाड़ू होनी चाहिए. वाह ये बहुत कड़क चीज बोलिए सर आपने. सर मतलब आपकी लाइफ में भी आप चाहोगे ना लव स्टोरी, आपकी शादी हो गई है चाहे लव स्टोरी मतलब हो थोड़ी ना, फाड़ू मजेदार होनी चाहिए कि 10 साल बाद पलट के सुनाओ कहानी तो मजा है सर, कुछ कूल नहीं होना चाहिए, फाड़ू होना चाहिए. फाड़ू आजकल तो 9 दिसंबर तक तो हम लोग सुबह से शाम तक करेंगे सर, मतलब और इंटरेक्शन तो चल रहा है मेरी, आई मीन इन माय नेचुरल लाइफ ये और इसके आगे वाला दोनों अल्फाज बहुत यूज करता हूं. तो चलिए 9th ऑफ दिसंबर को फाड़ू आ रही है सोनी नेट पर, अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहे अगर आप. बस आए देखें, अभिलाष को देखें, पवेल को देखें, अश्विनी ने बहुत कमाल का काम किया है, सयामी ने बहुत कमाल का काम किया है, तो
प्लीज कम एंड वॉच द शो। और हम सब यार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में रहने वाले जो छोटे घरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं, हम सबकी कहानी है। हम सबके पास जो है शायद हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जो नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं, उसकी कहानी है। तो हम सबकी कहानी है, हम सब कहीं ना कहीं अभय हैं, हम कहीं ना कहीं मंजरी भी हैं, हम कहीं ना कहीं रॉक्सी भी हैं। उनके साथ बस कनेक्ट हो। तो बहुत खूबसूरती से सर ने लिखा है, अश्विनी मैम ने शूट किया है, हम लोगों ने अपनी कोशिश की है उनके साथ जितना ईमानदारी से वो कैरेक्टर्स प्ले कर सकते थे प्ले करें। तो आए देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।